गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, बेटा आज हम स्टार्ट करें इस वीडियो में एक्सरसाइज 13.1। फर्स्ट क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। जल्दी से अपनी बुक ओपन करो, स्टेटमेंट रीड कर लेते हैं। ओके, देखो बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन इज टू क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर ज्वाइंट एंड टू एंड। कहते कि हमारे पास दो क्यूब्स हैं, उनका वॉल्यूम गिवन है 64 सेंटीमीटर क्यूब, आर ज्वाइंट एंड टू एंड। कहते हमारे दो डिब्बे हैं, उन दोनों डिब्बों को आपस में मिला दिया जाता है, ठीक है, और फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। क्या जब दो डिब्बों को एक साथ मिला दिया जाए तो एक क्यूबॉइड बन जाएगा, उस क्यूबॉइड का सरफेस एरिया फाइंड करके दिखाना है। वॉल्यूम गिवन है, सरफेस एरिया फाइंड करना है। ओके, देखो डा, कहते हैं कि हमारे पास ये दो डिब्बे हैं, एक डिब्बा नीचे है, एक डब्बा ऊपर है। दो डिब्बे हैं, दो क्यूब हैं, ये भी क्यूब है, ये भी क्यूब है, ठीक है। ये फर्स्ट क्यूब, ओके, ये सेकेंड क्यूब है। इसका वॉल्यूम गिवन है 64 सेंटीमीटर क्यूब और इसका वॉल्यूम भी 64 सेंटीमीटर क्यूब। अब दोनों डिब्बों को एक साथ मिला दिया गया, चिपका दिया, तो एक नया हमारे पास क्या बन गया, क्यूबॉइड। तो इसका सरफेस एरिया, पूरे का सरफेस एरिया निकालना है। इसका वॉल्यूम गिवन है, सरफेस एरिया निकालो। अगर ये क्यूब है तो इसकी लेंथ ब्रेड हाइट इक्वल होगी, तो यहाँ से यहाँ तक एक्स, यहाँ से यहाँ तक एक्स, ये भी एक्स होगा, यहाँ से यहाँ तक भी एक्स, ये लाइन भी एक्स, सारी लाइनें एक्स के इक्वल होगी क्योंकि क्यूबॉइड था, ये वाला क्यूबॉइड है। ओके बेटा, तो पहले इसका एक्स निकालते हैं। देखो, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, फॉर्मूला इज एक्स क्यूब, ठीक है, और किसके इक्वल है, 64 के। तो इस 64 के फैक्टर कर लो, 4 1 4 4 6 24 4 4 16 4, कितने टाइम्स आ जाएगा, 3 टाइम्स। ओके, दोनों की पावर सेम है तो बेस भी सेम हो जाएगा, तो एक्स किसके इक्वल बन गया, 4 के। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो लेंथ है वो 4 सेंटीमीटर, यहाँ तक की लेंथ भी 4, यहाँ से यहाँ तक 4, यहाँ से यहाँ तक भी कितना, 4। अब ये हमारे पास क्या बन गया, एक क्यूबॉइड बन गया। अगर ये क्यूबॉइड है तो यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है 4 सेंटीमीटर, ये वाली जो ब्रेड्थ होगी वो 4 सेंटीमीटर, हाइट यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि दो डिब्बे एक साथ मिला दिए गए, तो हाइट इसकी कितनी बन जाएगी, 8 सेंटीमीटर। अब हमें इसका सरफेस एरिया फाइंड करके दिखाना है। सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, फॉर्मूला इज, तो पहले यहां लिखे 2 एल इंटू बी, बी इंटू एच, एच इंटू एल। तो इसके अंदर आप फॉर्मूले में वैल्यू डाल दो, तो यहां से 2, लेंथ अभी हमने निकाली 4 सेंटीमीटर, ब्रेथ इज आल्सो 4 सेंटीमीटर, प्लस बी इज 4, हाइट इज 8, एच की जगह 8 और एल की जगह 4। ओके, तो यहां से 2, 4 4 16, 4 8 32, 8 4 32। यहां से 2 ऐड कर दो, 2 2 4 और 6 10, 1 रह गया, 1 3 4 और 3 7 और 1 8। 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज आवर आंसर, दिस क्वेश्चन इज कंप्लीट। ओके बेटा, चलो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 इज। सेकेंड क्वेश्चन इज, ए वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ ए होलो हेमिस्फेयर। कहते कि हमारे पास एक वेसल, एक बर्तन है जो हेमिस्फेयर की शेप में है, माउंटेड बाय ए होलो सिलेंडर, जिसके ऊपर एक सिलेंडर बना है, ठीक है। नेक्स्ट, द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फेयर इज 14 सेंटीमीटर। हेमिस्फेयर का जो डायमीटर है वो 14 सेंटीमीटर है, एंड द टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 13 सेंटीमीटर। फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल, उस वेसल का सरफेस एरिया फाइंड करके दिखा दो। चलो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। देखो डा, सबसे पहले एक हेमिस्फेयर ड्रॉ कर लो,
ठीक है, एक हेमिस्फीयर ड्रॉ किया, इसके ऊपर एक सिलेंडर बना दो, ओके, एक हेमिस्फीयर और उसके ऊपर एक सिलेंडर हमने ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब वो क्या कहता है स्टेटमेंट, एक बार फिर से रीड करो ध्यान से, क्या बोल रहा है कि ए वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ ए होलो हेमिस्फीयर माउंटेड बाय होलो सिलेंडर, द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज 14। यहां से लेकर यहां तक इसका जो डायमीटर है वो 14 सेंटीमीटर है, ओके। नेक्स्ट लाइन इज, फिर वो कहते हैं कि टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 13। यहां से लेकर यहां तक इसकी जो हाइट है वो 13 सेंटीमीटर है, ठीक है। नीचे यहां से यहां तक 14, यहां से यहां तक 13, क्लियर है। अब लास्ट लाइन उसने क्या कहा आपको रीड करें, फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। तो इसका हमने पूरे का इनर सरफेस एरिया फाइंड करके दिखाना है। देखो कैसे बेटा सॉल्यूशन, ये डायमीटर है देखो 14, तो यहां तक ये रेडियस बन जाएगा, तो रेडियस इज 7, रेडियस इज 7 सेंटीमीटर, ओके। अगर हमारे पास एक सर्कल है, इस सर्कल के अंदर हम चाहे जितने मर्जी रेडियस बना लें, रेडियस तो सारे इक्वल ही होते हैं, ऐसे ही ये रेडियस है 7, ये रेडियस है 7, अगर हम कंपास खोलें 7 सेंटीमीटर, तो आप उसको ऐसे ही ड्रॉ करोगे ना, ये 7 सेंटीमीटर 7 7 7, तो यहाँ तक भी कितना हो जाएगा 7, अगर ये 7 है तो ये लाइन भी कितनी हो जाएगी 7 सेंटीमीटर, ओके। चलो देखो नेक्स्ट, यहां से लेकर यहां तक की जो लेंथ है वो 13 सेंटीमीटर है, ये 13 सेंटीमीटर, यहां से यहां तक 7 सेंटीमीटर है, तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी, टोटल 13, 13 में से 7 माइनस कर दे तो ये 6, तो ये सिलेंडर की हाइट आ जाएगी, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अब हम क्या लिखते हैं यहां पे देखो, आर का मीनिंग रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर कितना 7 सेंटीमीटर, आर इज इक्वल टू रेडियस ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का रेडियस इज 7 सेंटीमीटर, एच हाइट ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर की हाइट कितनी होगी ये 6 सेंटीमीटर, ओके। अब हम इसका एरिया निकाल लेते हैं, देखो कैसे, यहां लिखेंगे सरफेस एरिया ऑफ वेसल, वेसल का सरफेस एरिया इज इक्वल कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ओके। हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया, सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया, दोनों को ऐड कर दो। हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया भी मैंने फॉर्मूले वाला पेज पाया था ना, तो उसको निकाल देखो, 2πr² प्लस में कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2πrh, ओके। सारे में से कुछ कॉमन आ रहे हैं, देख लो 2πr, तो रिमेनिंग टर्म r, 2πr कॉमन, तो यहां पे एच रहेगा, ओके। यहां से 2, पुट द वैल्यू ऑफ पाई 22/7, रेडियस रेडियस इज 7, आर इज 7, एच इज 6, ओके। एच कितना है 6, इस 7 से 7 कट हो गया, 22/44, और इधर से 7 और 6 13, ओके। इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, 13 को 4 से 52, 5 रह गया, 13 4 52, 52 और 5 57 सेंटीमीटर स्क्वायर, दिस इज योर आंसर, दिस क्वेश्चन इज कंप्लीट, ओके बेटा क्लियर दिस क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन इज, ए टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ ए कोन, कह रहे एक टॉय है जो कोन की शेप में है,
जिसका रेडियस 3.5 सेंटीमीटर है, माउंटेड ऑन ए हेमिस्फेयर। अब की बार क्या है, एक कोन बना है जो हेमिस्फेयर के ऊपर बना है, सेम रेडियस, रेडियस सेम है। द टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 15.5 सेंटीमीटर, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। टॉय का टोटल सरफेस एरिया फाइंड करके दिखा दो। ओके चलो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। देखो ना, पहले एक हेमिस्फेयर ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, और इसके ऊपर एक कोन ड्रॉ कर ले, एक हेमिस्फेयर जिसके ऊपर हमने एक कोन ड्रॉ कर लिया। ये है हमारा रेडियस, ये भी आर, ये कोन की हाइट और ये इसकी स्लांट है। आप देख लो क्वेश्चन के अंदर क्या क्या गिवन है, वो सारी एंट्री इसमें फिल कर दो। देखो बड़ा थर्ड क्वेश्चन, ए टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ ए कोन ऑफ रेडियस 3.5। इसका जो रेडियस है वो 3.5 है, तो ये रेडियस भी कितना 3.5। माउंटेड ऑन ए हेमिस्फीयर ऑफ सेम रेडियस, द टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 15.5। 15.5 ये इसकी टोटल हाइट है। ठीक है, यहां से लेकर यहां तक ये इसकी टोटल हाइट। ओके बेटा क्लियर। देखो कह रहे इस पूरे का पूरा एक खिलौना बनाया गया, टॉय बनाया गया, इसका हमने एरिया फाइंड करके दिखाना। तो निकालना कैसे, इसका एरिया निकाल लेंगे हेमिस्फीयर का, कोन का भी निकाल लेंगे, फिर दोनों को हम क्या करेंगे ऐड कर देंगे। अगर ये 3.5 है तो यहां से लेकर यहां तक भी कितना हो जाएगा 3.5। अगर यहां से यहां तक ये 15.5 है, ये 15.5, ये 3.5, तो ये लाइन कितनी हो जाएगी, 15.5 में से ये लाइन माइनस कर दो तो कितनी रह जाएगी यहाँ पे 12। तो हाइट कितनी आ जाएगी 12, तो कौन की हाइट निकलती। ओके बेटा चलो देखो, तो रेडियस आर, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर का रेडियस 3.5 सेंटीमीटर, आर रेडियस ऑफ कोन, कोन का रेडियस 3.5 सेंटीमीटर, एच हाइट ऑफ कोन, कोन की हाइट 12 सेंटीमीटर। ओके बेटा यहां तक क्लियर है। देखो नेक्स्ट, अब वो क्या कहता है, इस पूरे टॉय का सरफेस एरिया निकालो। तो यहां पर लिखें टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय, टॉय का टोटल सरफेस एरिया। तो लेकिन हम इसके अंदर कर्व यूज करेंगे, इनर कर्व करेंगे। कैसे, देखो आपको याद होगा मैंने आपको क्या बताया था कि अगर सपोज करो कि ये हमारे पास एक सिलेंडर है, अगर मैं इसकी चारों दीवारों का एरिया निकाल दो तो कर्व सरफेस एरिया, नीचे से प्लेट लगा दो, ऊपर प्लेट लगा दो, उसका टोटल कर दो, तो वो क्या बन जाएगा हमारा टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, क्या बन जाएगा टोटल सरफेस एरिया। ठीक, मैं क्या करता, इसका कर्व सरफेस एरिया निकालो, इसका कर्व सरफेस एरिया, दोनों को टोटल, क्योंकि इसके ऊपर छत तो है ही नहीं, ऊपर तो कॉर्नर है, छत तो बनेगी नहीं, तो नीचे फर्श पूरे का देखना है ना, ये छत है ये फर्श, तो ऊपर तो कॉर्नर है, छत तो आएगी और नीचे फर्श बनेगा नहीं, तो इसीलिए इसका दोनों का क्या लिखेंगे, लिखा तो यहाँ पे पूरे टॉय का, पूरे टॉय का हमने टोटल निकालना है ना, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। तो हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया 2πr² और कोन का कर्व सरफेस एरिया πrl। ओके, लेकिन इसके अंदर l लिखा है, इसके अंदर तो हमने बस l है ही नहीं, जब तक आप ये स्लांट हाइट नहीं निकालोगे तो यहाँ पर हम l की वैल्यू कैसे पुट करेंगे। तो पहले तो आपको उसके अंदर से स्लांट हाइट निकालेंगे। स्लांट हाइट कैसे निकालोगे, देखो इस ट्रायंगल का यूज कर लो। ठीक है, तो इस ट्रायंगल के अंदर हम क्या कर रहे हैं, पाइथागोरस यूज कर लेते हैं, यहां लिख लो ए बी सी। तो यहां करता हूं देखो मैं, एन राइट ट्रायंगल ए बी सी
by Pythagoras. So hypotenuse square, L square, perpendicular square, 12 square, plus the base, 3.5 square. So L square, 12 square, 12 को 12 से मल्टीप्लाई कर दो तो 144, 3.5 को 3.5 से मल्टीप्लाई कर दो 5 5 25 5 3 15 और 2 17 3 5 15 3 3 9 और 1 10 5 12 2 और 1. ओके कितने पहले पॉइंट 2, तो 12.25 हो जाएगा. ओके इन दोनों को ऐड कर दो तो 0.25. 2 और 4 कितना हो गया 6, 1 और 4 5 और यहां से 1. टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड 156.25. L इक्वल पॉइंट हटा दो तो इसकी 20 नीचे चली जाएंगे. ओके अब मैं क्या करूं, इसके फैक्टर कर लेते हैं. 156.25 के फैक्टर्स कर दो, 5 पे जाएगा, 5 3 जो 15, 5 1 5 5 2 10 5 5 25, फिर 5 पे, 5 6 जो 31, 5 2 10 5 5 25, 5 1 5 5 2 10 5 5 25, 5 2 10 5 5. 5 कितने टाइम्स आ गया, 1 2 3 4 5 6, तो इसमें से 3 5 बाहर आ जाएंगे, 3 5 रह जाएंगे. ठीक है, क्योंकि 2 2 के पेयर में से एक पेयर बाहर आ रहे थे, इन 2 5 में से एक 5 बाहर आ जाएगा, इसमें से एक 5 बाहर आएगा, इसमें से एक 5 बाहर आ जाएगा, तो 5 कितने टाइम्स बाहर आ जाएगा, 3. और 100 का रूट कितना होता है, 10. ऊपर वाले से 3 5 बार, इस पर 10 हो गया, 5 5 25 125 डिवाइड में 10. एक पहले पॉइंट कर दो तो 12.5 सेंटीमीटर. तो ये इसकी हमारे पास क्या निकल गई, स्लांट हाइट आ गई. चलो अब हम एरिया फाइंड करके दिखाते हैं. ठीक है, इसमें से देखो 2πr, इसमें से πr कॉमन आ रहा है, तो πr कॉमन तो 2 रह गया, 1r, πr कॉमन तो यहाँ पे l रह गया. पाई की जगह 22/7 रेडियस, रेडियस इज 3.5, यहाँ से 2r की जगह 3.5 प्लस स्लांट हाइट 12.5. ओके 7 पर कट हो गया, 7 5 35, 5 से मल्टीप्लाई, 5 2 10 5 2 10 और 1 11, एक पहले पॉइंट आ जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई, 2 5 10 2 3 6 और 1 7, 12.5. पॉइंट के बाद 0 है, छोड़ दो, इन दोनों को ऐड करो, यहाँ से 5 12 और 7 कितना हो गया, 19, मल्टीप्लाई कर दो, 11 5 55, 5 रह गया, 11 9 99 99 और 5 104, 10, 11 1 11 और 10 कितना हो जाएगा, 21, एक पहले पॉइंट आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर. दिस इज आवर आंसर, दिस क्वेश्चन इज कंप्लीट. ओके बेटा, तो इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ. थैंक यू.